सो यहाँ पर बात करने वाले इंडिया कनाडा इशू के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली अभी कनाडा की एक स्टेटमेंट का रिप्लाई दिया है इंडिया ने। इशू ये था यहाँ पर कि कनाडा के गवर्नमेंट ने पहले बोला था कि कनाडा के डिप्लोमेटिक इलेक्शन जो होंगे उस इलेक्शन पे इंडिया इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकता है। जवाब में इंडिया ने भी कहा है कि हम नहीं बल्कि आप हमारे इंटरनल मैटर पर इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। सारा मैटर समझेंगे, बट फिलहाल समझते हैं कि कनाडा की लोकेशन क्या है। देखिए, ये हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और यहाँ से अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है कनाडा। उसकी राजधानी है ओटावा, और ये है कनाडा का फ्लैग। कनाडा के प्रेसिडेंट हैं जस्टिन ट्रूडो, और इनकी पार्टी है लिबरल पार्टी, जो कि एक अलायंस गवर्नमेंट के तहत ही यहाँ पर काम कर रही है। इनके गवर्नमेंट को 160 सीट का सपोर्ट मिला है, और इनके अगले इलेक्शन 2025 में होने वाले हैं। तो देखिए, इशू ये है कि यहाँ के कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसी है CSIS नाम से, मींस कनाडा सिक्योरिटी एजेंसी सर्विस, इसने एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट का नाम था ब्रीफिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑन फॉरेन इंटरफेस। इसने रिसेंटली भारत को विदेशी खतरा बताया है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट के हिसाब से कनाडा को शक है कि भारत कनाडा के जनरल इलेक्शन में दखल भी दे सकता है। हालांकि मुझे ये ऐड करना होगा कि इसने चाइना को बिगेस्ट खतरा बताया है, जो लास्ट टाइम 2019 और 2021 को कनाडा के फेडरल इलेक्शन में इंटरफेयर करने की कोशिश की थी। बट जिस तरीके से कनाडा भारत का बिगेस्ट पार्टनर रहा है ट्रेडिंग का, उसमें भारत रेजिस्टेंस दिखाते हुए भी चाइना को थोड़ा दूर करने की कोशिश किया और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश किया था, वैसा कनाडा नहीं कर रहा है। कनाडा बस एक निज्जर की किलिंग को इशू पकड़ करके भारत के अगेंस्ट में चला जा रहा है। देखियो, चाइना के लिए इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कनाडा चाइना का सेकंड सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, अगर यूरोपियन यूनियन को काउंट ना किया जाए तो कनाडा को फोकस होना चाहिए था जो ऑलरेडी उसमें अटैक कर चुका है। बट उसने सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा पकड़ रखा है, जैसा कि इसमें बहुत सारे देश कर रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट बोलिए और आपके देश में आपको वोट मिल जाएंगे, जैसे कि रिसेंटली मालदीव्स ने किया था। तो उस तरह से एक इशू चल रहा है। लेकिन ये निज्जर है कौन? निज्जर एक सेपरेटिस्ट ग्रुप का मूवमेंट का एक नेता था। रिसेंटली दो लोग ने इसको गोली मार के इसकी हत्या कर दी, और जस्टिन ट्रूडो का ये मानना है कि ये हत्या भारत के इशारे पे हुई थी। हालांकि ये ऐड कर दूं कि उसने अभी तक कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस भारत के साथ शेयर नहीं किए हैं। इसी से समझ में आता है कि एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पार्टी को एक पार्टी और भी सपोर्ट कर रही है, जिस छोटी पार्टी को लीड करते हैं यहाँ के एक जगमीत सिंह नाम के लीडर। इनके पास यहाँ पर असेंबली पे 25 सीट्स हैं, और ये लोग जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट करते हैं, और उन्हीं के ऊपर जहाँ तक है कि प्रेशर बना रहे होंगे कि आप निजर के किलिंग का इशू आप रेस कीजिए लगातार इंटरनेशनल फोरम में, और उसी को रेस करते हुए कनाडा के प्रेसिडेंट लगातार भारत से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। हालांकि इसका रिप्लाई भारत लगातार दिए जा रहा है, जैसे कि अभी रिसेंटली बोला था कि भारत के इंटरनल मैटर पर कनाडा टांग अड़ा रहा है। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि फिलहाल अभी तक बहुत सारा डेंट कनाडा की इकोनॉमी को ऑलरेडी लग चुका है। जैसे कि सन 2022 में 41% स्टूडेंट अकेला कनाडा गया था, लेकिन जनवरी 2024 आते आते कनाडा में 86% का ड्रॉप हुआ है, और लगभग 14,910 लोग ही कनाडा की गवर्नमेंट के अंडर पे जा करके वहाँ पर डिग्री हासिल करने की कोशिश किए हैं। ये देखना होगा कि कनाडा की गवर्नमेंट इंडिया कनाडा के रिलेशन को कहाँ तक लेके जाती है। लेकिन अगर आर्मी की बात करें तो कनाडा के डिप्टी आर्मी चीफ रिसेंटली भारत आए थे, और उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि कितने भी डिप्लोमेटिक टाई बिगड़ जाएं, लेकिन आर्मी टू आर्मी डिप्लोमेटिक रिलेशन लगातार बने रहेंगे। देखते हैं आगे क्या होगा, जैसे ही कुछ नए अपडेट आएंगे हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।